सुप्रभात प्यारे बच्चों तो आज हम करने वाले हैं एक नई एक्टिविटी ठीक है आज हम एक्टिविटी करेंगे एंड हम अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे वी आर सो सॉरी आपको थोड़ा ट्रबल तो थो होगा पर क्या आप हमारे बच्चों के लिए वर्कशीट बना के दे पाएंगे जब आप वर्कशीट बना के दे पाएंगे तो ये जल्दी से आपके साथ एक्टिविटी कर देंगे थैंक यू डियर पेरेंट्स अच्छा तो बच्चों हमने क्या करना है देखिए हमने करना है अलग वर्ग पर गोला लगाओ इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे ये अल्फाबेट्स हैं जैसे कि सबसे पहले लाइन में क्या दिया गया है अ अब ये बताओ अ जो है वो स्वर है या व्यंजन हाँ जी ये होता है स्वर तो अब ये अ जो है हमने इस लाइन में देखना है कि अ के अलावा कुछ लिखा तो नहीं है अगर हमारे पास अ के अलावा कुछ रखा है तो वो उससे अलग हो गया तो उसमें हम लगाएंगे गोला तो हम हर अक्षर को पहले टच करेंगे और फिर देखेंगे ये क्या है अ हाँ जी तो हम इसको करेंगे टिक ये क्या है क ये क्या सेम है नहीं तो इसको ऊपर से लगाएंगे एक गोल मटोल सा गोला वेरी गुड अब ये क्या है अ तो ये तो ठीक है और ये क्या है ये भी है अ तो ये ठीक है चलिए एक और करते हैं ताकि आपको समझ आए फिर बाकी सब आप खुद करेंगे ये क्या है च, च से चम्मच च से चाचा से चाची है ना तो चलिए अब देखते हैं कि इस लाइन में गड़बड़ वाला नंबर क्या है या गड़बड़ वाला अल्फाबेट क्या है ओके okay? ये क्या है चो, चो क्या होता है या व्यंजन व्यंजन हाँ जी अब ये क्या है च होता है व्यंजन, वेरी गुड ये क्या है अरे बाबा यही तो है गड़बड़ घोटाला ये है ए ए होता है या व्यंजन ए होता है स्वर और इस पर लगाएंगे हम एक गोला क्योंकि ये है गड़बड़ घोटाला इस लाइन का अब ये क्या है ये भी है च च से चम्मच च से चरखा च से चाचा च से चाची च से चांदी तो हम इस पे लगाएंगे टिक तो आपको समझ में आया ऐसे ही आपने क कर करना है ट करना है और ओ करना है ओके फिर आते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पे अब दूसरे प्रश्न में क्या है नीचे दिए गए शब्दों में स्वर पहचान कर गोला लगाओ आपको पता है ना स्वर क्या होते हैं स्वर होते हैं अ से अंघ तक वाले जो अक्षर होते हैं उनको हम बोलते हैं स्वर है ना और क से ज्ञ वाले जो अक्षर होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं हंजी व्यंजन वेरी गुड अब ये पहला वाला वर्ड देखिए पहला शब्द क्या है आम आम है ना तो इसमें स्वर क्या है आ तो हम आ पे लगाएंगे एक गोला ओके अब आते हम दूसरे वाले अक्षर पर अक्षर नहीं शब्द एक अक्षर दो अक्षर जब दो अक्षर एक साथ मिलते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं शब्द वेरी गुड अब ये क्या है ग ग से गमला ग क्या होता है ग होता है व्यंजन और ये क्या है ई बड़ा ई बड़ा ई क्या होता है बड़ा ई होता है स्वर तो हमने किसको गोला लगाना है स्वर को तो हम लगाएंगे इसको गोला अब देखते हैं नंबर थ्री ये क्या है ए, ए से होती है एड़ी वेरी गुड अच्छा एक चीज बताओ ए क्या होता है स्वर या व्यंजन मुझे तो आवाज नहीं आ रही आपकी यस ये होता है स्वर तो स्वर पे लगाएंगे एक गोला और ये क्या है यह है क क से कबूतर कर से कमल से और क्या हो सकता है आप बताइए मम्मा को बताइए जल्दी से ठीक है और क से क्या होता है क क्या होता है व्यंजन तो क पे तो हमने नहीं लगाना है गोला अब आओ नंबर फोर पे ये अक्षर क्या है टच करिए और बताइए ई बड़ी ई और बड़ी ई क्या होती है स्वर तो हम स्वर पे लगाएंगे गोला अब ये क्या है ख, ख से खरगोश ख से खत अब मम्मा आपको बताएंगे कि ख से और क्या होता है ओके अब ये बताइए ख क्या है स्वर या व्यंजन ये होता है आपका व्यंजन तो इस पे नहीं लगाएंगे गोला अब आइए नंबर फाइव पे नंबर फाइव पे है उ उ चोता उ चोता उ छोटा छोटा से क्या होता है उल्लू यस ये स्वर होता है ये व्यंजन मम्मा को बताओ हाँ जी वेरी गुड ये होता है स्वर तो स्वर को हम लगाएंगे एक गोला ये होता है ग, 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 गमला ग, 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 गाना चलो एक गाना गाते हैं आ, 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 आ हम गा रहे थे एक गाना ग से गाना ग से गाय अब मम्मा आपको एक और चीज बताएंगे ग से क्या होता है ग होता है एक व्यंजन तो इसको नहीं लगाएंगे गोला अब आइए नंबर सिक्स पे ये भी है आपका ग अभी गाया था ना हमने गाना क्या इस पे लगाना पड़ेगा गोला नहीं क्योंकि ये है एक व्यंजन वेरी गुड अब आइए ए ए से एड़ी है ना और ए होता है एक स्वर और चलो मेरे साथ जल्दी से बोलेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 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 बस भाई बस तो ठीक है मैंने कर दिया बस और अब आप सुंदर सुंदर कार्य करेंगे मम्मा को या जो भी आपको हेल्प कर रहा है टाइट सा एक हक देंगे और बोलेंगे थैंक यू क्योंकि उन्होंने आपकी मदद की है जो भी हमारी मदद करते हैं हमें उनको बोलना चाहिए थैंक यू धन्यवाद या शुक्रिया ओके जल्दी से काम करें और मैम को भेजिए बाय बाय